हाई एवरीबडी वेलकम टू अभिमन्यू आई ए एस इंडियाज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू पी एस सी एंड अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेरा नाम मनिंदर है एंड आई एम वन ऑफ़ द सीनियर फैकल्टीज़ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इन अभिमन्यू आई ए एस तो देखिए अभिमन्यू आई ए एस पिछले ट्वेंटी थ्री ईयर्स से मोर दैन टू थाउजेंड सिलेक्शन्स दे चुका है और हम जो है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर को टारगेट करने के लिए एक नई जो है वो बैच स्टार्ट कर रहे हैं अगर आपको एनरोल करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं तो ये जो सीरीज़ इशू एंड एनालिसिस की सीरीज़ है ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे यू का मेन्स है या फिर हमारे हरियाणा सिविल सर्विस या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के जो मेंस के एग्ज़ामिनेशन है उनके लिए आज जो हम इशू एनालिसिस में डिस्कशन करने वाले टॉपिक वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कोविड अब जैसे आप सबको पता है कि वैक्सीन्स हम हम सबके लग चुकी हैं और कोविड अब एक हम बोल सकते हैं कि सेफली हमने वो एक बहुत ही टर्बुलेंट टाइम्स को हमने क्रॉस कर लिया है तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा जो है वो है पोस्ट कोविड हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि भाई ये बताओ कि है ना पोस्ट कोविड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रिफ़ॉर्म्स चाहिए क्या हमें करना चाहिए कि जब नेक्स्ट पैंडमिक हमारे पास आएगा तो हम उसको कैसे डील करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक कॉल्ड पोस्ट कोविड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक तो मैं आपको बेसिक्स बताना चाहूँगा पहले बेसिक्स का मतलब है कि अब ये तो सबको पता ही है कि कोविड क्या है लेकिन स्टिल एक छोटा सा 50 सेकंड्स का बेसिक्स कि कोविड क्या क्या बीमारी थी और इसमें क्या हुआ तो देखिए कोविड जो है वो 2019 में आइडेंटिफाई की गई थी इसीलिए इसको कोविड 19 जो है वो बोला जाता है और ये बीमारी हमारी एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम थी जिसमें अगर ये वायरस जब बॉडी में चला जाता था तो ये एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करता था उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को और उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स आते थे इन डिफरेंट डिफरेंट जो है इंडिविजुअल्स फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता था जब कोविड उनकी बॉडी में आ जाता था आ जाता था तो इन लोगों को हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स क्लासीफाई करते थे लेकिन इसके अलावा मॉडरेट से सिवियर कोविड भी देखने को मिला है मॉडरेट से सिवियर कोविड में रेस्पिरेटरी सिंड्रोम काफ़ी ज़्यादा इंटेंस या स्ट्रेसफुल हो जाता था जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन uh, और इवन डेथ्स जो हैं वो बहुत मेजर फिनोमेना देखी देखने को मिली कोविड की डिफरेंट वेव्स आई सबसे पहली वेव अल्फा वेव थी जिसमें अल्फा वेरिएंट ने डोमिनेट किया लेकिन सबसे जो डेंजरस और ख़तरनाक वेव थी कोविड की वो डेल्टा वेव थी जिसमें बहुत ही लोगों ने अपनी लाइफ जो है वो लूज़ की तो ये तो है थोड़ा सा बेसिक ऑन कोविड तो अगर हम कोविड की जब बीमारी चल रही थी तो सबसे बड़ा चैलेंज जो भारत के सामने ये था कि हमारा जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी बहुत ही बुरी बुरे हालातों में था तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आईसीयू में डाल देते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे विद फाइव एज मैं आपको पांच एज से सब एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे कौन से फाइव एज हैं जो बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम एरियाज़ है तो पहला ए है अवेयरनेस और द लैक ऑफ इट लोगों को हेल्थ सर्विसेज की अवेयरनेस नहीं है फॉर एग्जांपल एक डेटा बोलता है कि हरियाणा अर्बन हरियाणा में ये पता चला कि सिर्फ 11.3% परसेंट ऑफ़ एडोलसेंट गर्ल्स को करेक्टली पता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज की रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज कौन कौन से होते हैं तो ये सिर्फ 11.3 पॉइंट थ्री परसेंट रिप मतलब है ना गर्ल्स को ही पता है तो लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं है द सेकेंड ए इज अबाउट एक्सेस और लैक ऑफ इट अगर एक्सेस की बात करूं तो कहने का मतलब है के बहुत ही कम हॉस्पिटल्स हैं भारत के अंदर स्पेशली रूरल एरियाज़ या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर अगर डेटा को हम देखें तो 2012 में एक स्टडी हुई थी जिसके जिससे ये पता चला कि रूरल एरियाज़ में मतलब गाँव में सिर्फ 37 सेवन परसेंट ऑफ़ दी पॉपुलेशन जो है वो इन पेशेंट फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकती है विद इन अ फ़ाइव किलोमीटर ऑफ रेडियस एंड 68 परसेंट वर एबल टू एक्सेस दी आउट पेशेंट फैसिलिटीज़ तो बहुत ही कम लोग इन पेशेंट फैसिलिटीज़ को एक्सेस करते हैं भारत में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में थर्ड चैलेंज है एब्सेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स यानी कि हमारे पास डॉक्टर्स नर्सेस ए और रिसर्चर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है भारत के अंदर अगर एक डेटा देखें तो दो की स्टडी में ये पाया गया कि भारत में अगर थाउजेंड टेन थाउजेंड की पॉपुलेशन है तो उसमें सिर्फ ट्वेल्व ट्वेंटी हेल्थ केयर वर्कर्स ही एग्जिस्ट जो है वो करते हैं फोर्थ ए जो है दैट इज़ अबाउट द अफोर्डेबिलिटी यानी कि जो हेल्थ केयर है वो इतना कॉस्टली uh, है भारत के अंदर तो 75 फाइव परसेंट ऑफ़ दी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है वो आउट ऑफ पॉकेट ही डिलीवर होता है मतलब भारत में हम बात करें इंश्योरेंस स्कीम्स की तो वो इतनी ज़्यादा नहीं चलती तो ज़्यादा पैसा लोगों को अपने पॉकेट से ही देना पड़ता है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अकाउंटेबिलिटी और द लैक ऑफ इट अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जो इंस्टीट्यूशंस ये पूरे हेल्थ केयर स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने में लगे हुए हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है अगर कल को कोई डिज़ास्टर हो जाता है हेल्थ में तो कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का उसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज है इम्पैक्ट ऑफ कोविड नाइन्टीन देखिए ये एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पैंडेमिक जो है वो आ गया तो डेफिनेटली हमने बहुत लूज़ किया इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ केयर और इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन दी यू नो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ही बुरी हालातों में था तो उसमें बहुत ही डेंजरस कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐसी जो है फ़ोटोग्राफ्स या ऐसे एपिसोड्स देखे होंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज हो गई कि हॉस्पिटल्स को रिग्रेट करना पड़ रहा है कि वो एडमिशन्स नहीं दे सकते आई होप मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम इस चीज़ को जो है रेक्टिफाई कर कर पाएं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे है ना ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है सेकेंड इतने हमारे बच्चे जो हैं वो उन्होंने अपने पेरेंट्स लूज कर दिए कोविड की वजह से और एक नई कैटेगरी ऑफ ऑर्फनस क्लासिफाई करने लगी गवर्नमेंट विच इज़ कॉल्ड कोविड ऑर्फनस कोविड ऑरफन्स की कोंट की जो पॉपुलेशन जो लोग हैं ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन हुआ यू नो मोर एंड मोर कोविड ऑर्फनस ये बढ़ते ही गए कोविड के टाइम पर और ये भी एक बहुत ही यू you नो know, हार्ट ब्रेकिंग मैं बोलूँगा हार्ट ब्रेकिंग एक बहुत बड़ा इशू है कोविड का तो ये एक अच्छी इमेज नहीं है मुझे पता है आप बोलोगे कि सर नहीं ये क्या इमेज दिखा रहे हो आप लेकिन अनफॉर्चुनेट इमेज है कि हमारे ग्रेव में इतना पॉपुलेशन था इतना प्रेशर था हमारे ग्रेव के ऊपर कि लोगों को उनका जो है वो लास्ट राइड्स करने के लिए उनको जो है जगह ही नहीं मिल रही थी ग्रेवयार्ड्स के अंदर स्पेशली दिल्ली और दिल्ली के एरियाज़ में तो ये बहुत ही जो ना हॉरिफिक पिक्चर्स जो है वो देखने को मिली तो ऐसा हमारे कोविड नाइन्टीन ने काम किया कि बहुत ही बुरे सिचुएशन में भारत को डाल दिया था हेल्थ केयर के परस्पेक्टिव से अकेला यही नहीं कि कोविड का जो प्रॉब्लम था वो सिर्फ फिज़िकल इश्यूज उन्होंने कॉज किए लॉकडाउन की वजह से और घर में जब लोग रहते हैं तो वो मेंटल हेल्थ भी एक बहुत ही मेजर इशू देखने को मिला कोविड का और मेंटल हेल्थ में लोगों को डिप्रेशन हुआ लोग एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं लोगों को हेल्थ स्ट्रेस हो रहा है और फाइनली बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा था तो हम ये चाहते हैं कि ये जो भी इम्पैक्ट्स हम देखने को मिले हैं उसका मेन रीज़न वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि चलो बीमारी तो बहुत ही कंटेजियस और इन्फेक्शस थी ऐसी बीमारी के लिए तो कोई भी कंट्री रेडी नहीं हो सकती लेकिन हमारे देश के अंदर हमारा एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था टू हैंडल द कोविड नाइन्टीन सिचुएशन और उसकी वजह से काफ़ी डेथ्स और काफ़ी हॉस्पिटलाइजेशन देखने को मिले और काफ़ी अनफॉर्चुनेट लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो भारत को अब फ्यूचर में क्या करना चाहिए जैसे हमने वैक्सीन्स तो डेफिनेटली अब ऑलमोस्ट टू बिलियन वैक्सीन्स हमने प्रोड्यूस करके लगा दी विच इज़ नॉट अ मीन फीट अचीवमेंट इट्स वेरी गुड ऑन द पार्ट्स ऑफ पार्ट रिसर्चर्स एंड फार्मा कंपनीज एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट कि उन्होंने इतनी वैक्सीन्स दे चुके हैं लोगों को लेकिन स्टिल हमारे पास अब एक लर्निंग है पोस्ट कोविड के हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रीबिल्ड करना है सो दैट नेक्स्ट पैंडमिक में हम ईजीली इस चीज़ को हैंडल कर सकें तो ये लर्निंग बहुत ज़रूरी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें डिज़ीज़ सर्वेलेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा फ्यूचर में डिजीज़ सर्वेलेंस का मतलब है कि कब डिज़ीज़ स्टार्ट हुई कब वो डिज़ीज़ इतने पेशेंट्स में फैल गई उनको कैसे हम रिस्ट्रिक्ट करें मतलब डिज़ीज़ के बारे में नॉलेज के कब स्टार्ट होती है कब पहुंचती है उस चीज़ के ऊपर वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें करना पड़ेगा इसके लिए हमारे पास आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की अवेलेबिलिटी है हमारे पास यू नो इंटेलिजेंस की अवेलेबिलिटी है तो वो सारी जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं एआई बिग डेटा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को हमें यूज़ करना पड़ेगा सो so दैट हम अपने डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम्स को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकें सेकेंड चीज़ ये है कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो सबसे पहला स्टॉप है हमारे देश के रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बहुत ही बुरे हालातों में है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है उनमें क्वालिटी हेल्थ केयर की शॉर्टेज है उस उनमें यू नो अल्ट्रासाउंड ये सब टेस्ट वेस्ट नहीं होते और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अच्छे डॉक्टर्स नहीं जहाँ पे जाते तो हमें चाहिए कि बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको हम रिफॉर्म और रिवाम करें सो so दैट हम इसको और बेटर कर सकें थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आनी पड़ेगी हेल्थ केयर के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ख़ुद जो है वो क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं दे सकते हमने देख लिया है यू you पास्ट know, 75 फाइव ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में कि सरकारी हॉस्पिटल्स ने क्या क्वालिटी हेल्थ केयर दी है कि नहीं ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी हमारे पुअर पॉपुलेशन उन हॉस्पिटल्स में नहीं जा पाते तो हमें एक ऐसी सिनर्जी चाहिए कि सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों मिलके जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्वालिटी हेल्थ केयर दे दें और गवर्नमेंट कुछ फंडिंग डाल के उस हेल्थ केयर को अफोर्डेबल कर दे ताकि हमारे लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर के साथ साथ अफोर्डेबल हेल्थ केयर भी मिल सके इसके बारे में सोचना फ्यूचर में हमारी गवर्नमेंट्स को चाहिए वैन इट वैन वी टॉक वे अबाउट द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हेल्थ केयर डेफिनेटली हमारे भारत में एक सबसे बड़ा इशू ये भी है कि डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो बहुत कम है और डब्ल्यू की जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंगली बिल्कुल ही ऑपोजिट है अगर हम बात करें डब्ल्यू एच रिकमेंड करता है कि 1000 पेशेंट अगर तुम्हारे है तो उसके अकॉर्डिंगली वन डॉक्टर एटलीस्ट होना चाहिए भारत में लेकिन भारत में ये रेशो बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड है ये 11000 पेशेंट्स के लिए वन डॉक्टर है यानी कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हम जो है वो लूज कर रहे हैं और अकेला यही नहीं इसके अंदर भी काफ़ी रीजनल इनक्वालिटी है तो जैसे बिहार अगर देखो तो एक डॉक्टर ट्वेंटी एट थाउजेंड लोगों के लिए बिहार में है तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इवन रीजनल इनक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स इंडिया में हों ज्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड डॉक्टर्स इंडिया में हो ताकि ये जो जो रेशो है इसको हम सेट कर सकें और भारत में क्वालिटी एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर लोगों तक पहुंचा सकें इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी जो डिजीज़ हैं भारत में और भी बहुत डिजीज़ कोविड के अलावा और ये जो बीमारियाँ थी ये बीमारियाँ ऑलरेडी इम्यून सिस्टम को वीक करके रखती हैं तो जो भी जब भी कोविड फैला तो कोविड ने ऐसे लोगों को अटैक किया जो ऑलरेडी कुछ बीमारियों से सफ़र कर रहे थे जैसे ट्यूबरक्लोसिस है काला अजार है क्रॉनिक डिजीज़ है कैंसर है ऐसी बीमारियाँ बिकेम लीथल फॉर मैनी पीपल एंड इस वजह से हमें चाहिए कि हम जो एग्जिस्टिंग बीमारियाँ हैं उनको हम डील कर सकें हमें कुछ टारगेट्स कुछ मिशन मोड लगाने चाहिए कि ट्यूबो क्लासिस हमें कब ख़त्म करना है कैंसर के ऊपर हमें क्या काम करना है एड्स के ऊपर हमें जो है वो क्या काम करना है वो सारी चीज़ें हम जब करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो एग्ज़िस्टिंग डिजीज़ है इसको जो है हम सॉल्व कर पाएंगे डेफिनेटली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फंड्स हमें पैसा चाहिए जब हम हेल्थ केयर के अंदर बात करते हैं भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत वन ऑफ द लीस्ट यू नो एक्सपेंडिचर कंट्री है जो हेल्थ के ऊपर खर्चा करती है अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो जापान के साथ मैं कंपैरिजन करूं तो जापान ऑलमोस्ट टेन परसेंट ऑफ़ द जीडीपी हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा करता है अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भी टू ऑफ़ द जी हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा करता है लेकिन भारत का इस सिचुएशन में हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और ओनली 1.6 परसेंट ही हम जीडीपी का खर्चा हेल्थ केयर के ऊपर करते हैं तो ये गवर्नमेंट्स को चाहिए कि टैक्स पेयर का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर में लगाए अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, अच्छी इंश्योरेंस स्कीम्स आएँ अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस हो ताकि फ्री हेल्थ केयर अफोर्डेबल हेल्थ केयर हमारे भारत में एक रियालिटी बन सके और आने वाले टाइम में कोविड टाइप ऑफ पैंडेमिक्स को हम और बेटर जो है डील कर सके ये था आज का सेशन अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरा नाम है मनिंदर और आप देख रहे थे अभी मन आई एस थैंक यू